उधर यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता अब ऊब चुकी है। बीजेपी जो वादे लेकर सरकार में आई थी वो वादे पूरे नहीं किए गए, जनता विकल्प चाहती है, विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि जो प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर राज्य के अपने अपने मुद्दे होते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफी किए, बिजली के बिल हाफ किए, छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधी बात यह है कि इन 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। जो वादे लेकर 2017 में आए थे वो उन्होंने पूरा किया नहीं। जनता विकल्प खोज रही है और विकल्प के रूप में हम लोग कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पूरे संगठन सभी जिलों में सभी विधानसभाओं में हमारा बन चुका है, काम चल रहा है। और जिस प्रकार से प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, जनता उनके आशा भरी निगाहों से देख रही है। यहाँ तक के किसानों के ऋण माफी की बात है, बिजली बिल आधा करने की बात है और 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने की बात है, 400 रुपया में प्रति क्विंटल गन्ना खरीदने की बात है, छत्तीसगढ़ में हमने सब कर दिया है तो कोई नई बात नहीं है। हमारी सरकार कर चुकी है और कर रही है, लगातार किसानों को लाभ हम पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है, यहाँ बेरोजगारी दर बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं, महिलाएं और दलित असुरक्षित है, ये सब